जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ये है वो ट्रक जो रात के वक्त जब लाहौर शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर ये अंडर पासिस में क्या तबाही मचाते हैं और इनको खुद कौन सा जानी और माली नुकसान होता है, ये इस सेगमेंट में आपको बताएंगे। अब इस ट्रक की जो ऊंचाई है वो 16 फुट है और जो अभी ब्रेक से पहले आपको मैंने अंडर पासिस दिखाए उसकी हद ऊंचाई 8 फुट थी। यानी 16 फुट का ट्रक जब 8 फुट ऊंचाई के अंडरपास के अंदर जाता है तो फिर क्या होता है, यू कैन इमेजिन। यहाँ पे हम ड्राइवर से बात करते हैं कि जब वो लाहौर शहर में अपने ट्रक्स लेकर जाते हैं तो फिर उनके लिए जो गाइडलाइन प्रॉपर वहाँ पे होनी चाहिए नहीं होती, तो वो किन किन हादसात का शिकार होते हैं। सब ट्रक ड्राइवर्स हैं आप लोग? सब ट्रक ड्राइवर। आप भी? हाँ जी। अच्छा, मुजाहिद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस सेगमेंट में भी उनसे बहुत अच्छे सवाल पूछेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए, जब लाहौर शहर में दाखिल होते हैं और अंडर पास से गुजरना पड़ता है और इनको बताना पड़ेगा कि जो अंडर पास है वो जो पुल के नीचे से गुजरते हैं नहर पे, तो वो आपको फिर कैसे पता चलता है कि आपकी जो हाइट है, जो आपका लंबाई है, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो कैसे पता चलता है? ऊपर लिखा है ये ना बोर्ड होते। अच्छा, और अगर ना लिखा हो तो फिर? फिर अंदाजा भी होता है, फिर नहीं भी गुजरता उधर से, फंस भी जाते हैं। हाँ जी। अक्सर आप देखते हैं कि वहाँ पे जो ऊंचाई वाला बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि नीचे अंडर पास की यानी जो पुल के नीचे से आप गुजरते हैं उसकी ऊंचाई क्या है, अगर नहीं लिख, आप देखते हैं कि वहाँ पे है ऊंचाई हर जगह पे लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ जी लिखा है हर जगह पे। हाँ जी, के टाइम नहीं भी लिखा हो बार बार भी हो जाता है नहीं लिखा हो। हाँ जी। अच्छा, आप कितनी दफा गुजरे हैं उस रोड से, कनाल रोड से कितनी दफा आप गुजरे हैं और आप क्या समझते हैं कि जो लोग वहाँ से ट्रक इस तरह के जिनकी लंबाई ज्यादा होती है वो कितने लोग ड्राइवर ऐसे होंगे जो लाहौर के रहने वाले होंगे और उन्हें रास्ते का पता होगा कि इतनी हाइट है, तो कितने लोग होंगे आप? वो बथेरे लोग और पता होता है जी ना कितों की लंघना कितों की नहीं लंघना, अंदाजा लगाते हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप लोगों की कोई तालीम होती है ट्रक चलाने की? बड़े पढ़े लिखे होते हैं। कितने? कोई 10 पढ़े है, कोई 16 पढ़े है। अच्छा, 16 में पढ़े ट्रक? हाँ जी 16 पढ़े। हाँ जी। अच्छा, ये तो फिर अच्छी बात हो गई, 16 पढ़ा होगा वो ट्रक चलाएगा तो उसका थोड़ा सा अंदाजा तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखें जिस तरह से इसने बताया कि जो बुनियादी तौर पे जब इन्हें लाइसेंस दिया जाता है तो जो साइन होते हैं जिसको वो वहाँ पे लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं उनके ऊपर जो साइन होते हैं वो होते ही इसी वजह से हैं कि इनको पता चल सके, उसके बाद लाइसेंस जो है वो मिलता है। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि जिस तरह से ये ड्राइवर भाई हमारे बता रहे थे कि इन्हें अंदाजा हो जाता है बाज़। अच्छा मुजाहिद साहब, इसकी 16 फुट ऊंचाई है जो अभी हमने देखा जेल रोड वाला अंडरपास वो तो सिर्फ 8 फुट का था। जी बिल्कुल, 8 फुट होगा 9 फुट होगा तो ये वहाँ से तो यकीनन नहीं गुजर सकता। इसके अलावा भी अगर ये 16 फुट है तो 16 फुट की हाइट का सिवाय बीजिंग अंडरपास के जो दूसरे अंडरपास हैं वो इतनी ऊंचाई के नहीं है। और ये वाला थोड़ा मुझे उससे इससे भी ज्यादा ऊंचा लग रहा है। देखें जो इनका फ्रंट है वहाँ से तो आप अंदाजा बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि इसकी हाइट थोड़ी 16 से भी कोई 1 फुट ज्यादा होगी, तो 16 फुट का 15 फुट का ये मुख्तलिफ 16 फुट तो नीचे। ठीक है, और कोई ड्राइवर है यहाँ पर? आप भी ड्राइवर है? अच्छा बताइएगा कितने अभी, क्योंकि आप लोगों की एक कम्युनिटी है, बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं आपके पास, किसी का कोई एक्सपीरियंस तजुर्बा कहानी शेयर करना चाहेंगे कि वो अंडर पास यानी पुल के नीचे उसकी गाड़ी फंस गई और हादसे का शिकार हुआ? नहीं देखा कब, कोई नहीं ऐसा? ऐसा कोई नहीं देखा। आप कुछ जाते हैं लाहौर? 24 घंटे चलते हैं, 5-7 साल से चल रहे हैं। अच्छा, लाहौर शहर में जो अंडर पास के नीचे आपका वहाँ से गुजर हुआ कभी के आप सिर्फ शहर से बाहर ही जाते हैं? शहर से बाहर भी है, शहर के अंदर भी चलते हैं। शहर के अंदर जब लाहौर शहर में आप दाखिल होते हैं तो कितने बजे के औकात हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि इतने बजे आप दाखिल हो सकते हैं? कभी उससे पहले अगर आपने जाना हो तो आपको कभी रोका गया है पुलिस की जानिब? 11 बजे से पहले नहीं जाने देते। शाम से पहले जो है ना, शाम से पहले 5 बजे उधर में ठोकर न्यास बेग से पीछे ना, शाम 5 बजे से पहले उधर में स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, शाम 5 बजे के बाद आने देते हैं अंदर। ठीक है, कोई तजुर्बा ऐसा बताना चाहेंगे किसी का जो अंडरपास के नीचे से गुजरते हुए साइन बोर्ड ना हो और आपको मुश्किल का सामना हो? का सामना ऐसे ही होता है कि जब एक साइन बोर्ड लगा होता है उसके सामने हम देखते हैं कि ये स्पीड कितने में लिमिट में जा रही है, कितने लिमिट में नहीं, और ऊंचाई का वो भी मद्देनजर रखते हुए उसके सामने में हम, अगर ना ऊंचाई वाला बोर्ड, नहीं ऊंचाई वाला बोर्ड ना हो तो फिर वो इजिली हम क्रॉस कर सकते हैं। कोई क्योंकि वो उस पर, चलिए एक ट्रक आया है इनसे भी हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ट्रक की ऊंचाई कितनी है? 12 फुट है। अच्छा, और लाहौर शहर के अंदर जाते हैं कभी? हाँ जी। कनाल रोड जो सिग्नल फ्री कनाल रोड है वहाँ गए? रिंग रोड जाइदा, रिंग रोड वेदिया रोड जाना। और अंडर पास के नीचे से कभी गुजरे? हाँ जी।
अच्छा, अंडरपास के नीचे कभी किसी का ट्रक जो है वो फंसा हो ऊंचाई कम होने या ज्यादा होने की वजह से? ड्राइवर बेवकूफ होता ना, वो वारदा है, समझदार वो कभी नहीं वारदा है। इसके लिए तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। और जो बोर्ड लिखा हद ऊंचाई का बोर्ड लिखा ना हो तो कितनी मुश्किलात होती है? ड्राइवर्स मुझे ना इतने पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं। अच्छा, आप जा सकते हैं, पीछे से ट्रैफिक जो है वो जाम हो रही है। जो सबसे बड़ी बात है कि हर बंदे ने यही कहा कि उसके ऊपर लिखा होता है। कुछ देर पहले हम वहां से आए हैं और जो साइन बोर्ड हमने दिखाए हैं टूटे हुए सड़क के किनारे पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि साइन बोर्ड ना होने की वजह से भी वहां पर हादसात हो सकते हैं। क्योंकि ये जो ड्राइवर हैं इनमें से बहुत कम लोग हैं जो लाहौर में कनाल रोड के उन अंडर पासिस के अंदर गए हैं, नीचे से गुजरे हैं, तो उनका कहना है कि साइन बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन वहां पे हमने दिखाया कि साइन बोर्ड है ही नहीं वहां पर। अच्छा, एक और ड्राइवर हैं, उनके मालिक हमारे साथ हैं। लाहौर शहर में जब अंडरपास यानी पुल के नीचे से ट्रक गुजारना है और साइन बोर्ड नहीं है, ये नहीं पता है कि जो अंडरपास है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो क्या होता है फिर जब वहाँ पे बोर्ड नहीं होता? वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी गाड़ी जो वहाँ से गुजर के निकल से जाती है ना, वो लोड होती है, लोड गाड़ी है, जब जाती है तो ड्राइवर तो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है, ऊपर तो उसको ये नहीं पता होता कि हाइट इसकी कितनी है, तो जब चली जाती है अपनी स्पीड पे जा रहा होता है, ठीक है, जब जैसे ही चला जाते हैं तो ऊपर अंडरग्राउंड जो है वो तो उसकी ऊंचाई जो है वो कम होती है, गाड़ी की हाइट जो है होते वो ज़्यादा होता है, तो जाके जैसे ही चढ़ जाता है वो तो फिर ठकर जाता है, पलट जाती है गाड़ी, कीमती सामान होता है वो उसका तबाही हो जाता है हद से ज़्यादा। फिर ये तो इंतजामिया का जो फर्ज है, तो खामोश है इंतजामिया, तो बिल्कुल उनको तो वो तो सोए हुए हैं, इंतजामिया को क्या पता है, उनका तो वो बीट वाले जो हम आते हैं, ये हमारे जितने भी अड्डे आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो कहते हैं हर दफ्तर में जाते हैं, हर जगह में जाते हैं, वो तो सिर्फ ये कहते हैं निकालो 500 निकालो 200 निकालो 300 जेब में डाल के वो चले जाते हैं। उनको तो इस चीज़ का फिक्र नहीं है कि किस तरफ से ट्रैफिक आ रही है, किस तरफ जा रही है, क्या मसला है इन ट्रांसपोर्ट वालों को और इनकी क्या मुश्किल है। तो कभी आपको बुलाते हैं आपको पूछने के लिए? नहीं बुलाया, कभी किसी ने पूछा नहीं, कभी किसी इन बटर यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि मैं क्या बताऊँ। आपकी तो यूनियन होगी ट्रांसपोर्टेशन? हमारा यूनियन है, लेकिन यूनियन वाले भी वो बेचारे कोई किधर होता है, कोई यूनियन का कोई वो नहीं है न कोई बात सुनता है। जो अंडरपास है और अंडरपास में आप वहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लगे हुए, साइन बोर्ड उनके नहीं लगे होते हैं, वहाँ पे नुकसान होता है, कई जानी नुकसान हुए, तो इसके लिए आपके नजदीक क्या इसका हल है? ये होना चाहिए कि वो हमें बताए कि भाई यहाँ पर इतना इसकी ऊंचाई है, इससे ऊपर सामान लोड करके मत आया करे, वरना खतरा होता है एक्सीडेंट का। 11 बजे के बाद ट्रक जो है बड़ी हैवी ट्रैफिक जो है वो लाहौर में दाखिल हो सकती है, तो आपको वहाँ पे रोकते हैं 11 बजे से पहले अगर जाए? रात को 2 बजे भी खड़े होते हैं, चालान करते हैं रात को, जो बदी वार्डन जो है खासकर लाहौर शहर में, हालांकि ये सिस्टम जो है पेशावर में नहीं है, KPK में नहीं है, बिल्कुल बाकायदा, अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक है, कागजात ठीक है, कोई नहीं पूछता, बट ठीक है सही है जाओ, कागज भी ठीक है, लाइसेंस भी है, आइडेंटिटी कार्ड भी है, वजन भी ओवरलोड भी नहीं है, फिर भी रात को 2-2, 3-3 बजे खड़े होते कहते पैसा निकालो। अरे चले, ये जो हमें ड्राइवर से बात करके इस बात का अंदाजा जरूर हुआ है कि वार्डन तो अपना काम करेंगे, उन्होंने चालान करना है या नहीं करना ये उनका काम नहीं है बताना कि अंडरपास की ऊंचाई कितनी है, ये काम है मुतलका इदारों का, LDA चीपा का, कि उन्हें पता होना चाहिए कि जब रात को अलाउ कर रहे हैं हैवी ट्रैफिक को लाहौर शहर में सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो कि कनाल रोड है वहाँ पे, तो फिर स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। ये अभी ड्राइवर हमारे साथ हैं, ये बता चुके कि जब इस ट्रक के ऊपर अभी सामान लादा जा रहा है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी दिखाएं कि इसकी ऊंचाई और ज्यादा हो जाएगी। ड्राइवर को मालूम है कि उसके ट्रक की ऊंचाई कितनी है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होगा कि जो ऊपर सामान है उसको इंक्लूड करके ट्रक की ऊंचाई कितनी होगी। आप भी ट्रक ड्राइवर? नहीं, मैं अड्डे का मालिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये छोटी सी रिक्वेस्ट। अच्छा, ये मुझे बताइए, जब ट्रक जो है ओवरलोड की बात नहीं कर रही हूँ, जब उसके ऊपर सामान हो उसकी ऊंचाई और ज्यादा हो जाए, ट्रक की ऊंचाई से मजीद ज्यादा हो जाए और ड्राइवर को इस बात का इल्म ना हो, तो फिर क्या मुश्किलात होती है जो लाहौर के अंडर पास है उससे गुजरने के लिए? वहाँ पे तो साइन बोर्ड भी नहीं होते। मुश्किलात तो होते ही हैं, लाजमी बात है, ये अंडरपास हो गए और ओवरलोडिंग जो है ये इलीगल काम है। एक और ट्रक है यहाँ पर, इनके ड्राइवर से भी हम बात करेंगे। आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लाहौर शहर में जब आप रात के वक्त एंटर होते हैं और आपने अंडरपास के नीचे से गुजरना होता है, वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं होता,
क्या मुश्किल पेश आती है? हाँ वो तो होने चाहिए ना, साइन बोर्ड तो होने चाहिए। नहीं होते, अब नहीं है तो क्या करते हैं आप? नहीं होते तो प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती? गाड़ी ऊपर इंटरचेंज के नीचे लग जाती है। ड्राइवर सेफ रहता है? नहीं, वो किधर सेफ रहेगा, जब वो गाड़ी लग जाएगी तो फिर तो नहीं सेफ रहेगा ना, उलट भी जाता है। आपका कभी चलान हुआ है कि आप अंडरपास से टाइम से पहले आप अंडरपास क्रॉस कर रहे हैं 11 बजे से पहले, कभी चलान हुआ आपका? हाँ अक्सर होते हैं चलान, करते हैं वो। तो पुलिस आपको रोकती है, ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं कि आपने इस अंडरपास से नहीं गुजरना, ऊपर से आए या रिंग रोड से आए? वो तो नहीं रोकते ना, वो तो नहीं रोकते। यही वजह है कि हादसात का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि जो ड्राइवर्स हैं उनसे जब बात की हमने तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कितने पढ़े लिखे होते हैं और उनको कितनी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मुझे शेख साहब, सबसे बड़ी बात इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप बिल्कुल देखें, गाइडेंस की भी ज़रूरत है। और आपने सुना कि जितने भी ट्रक ड्राइवर से हमारी बात हुई उनका एक तो ये कहना था कि वहाँ पे साइन बोर्ड लगे होने चाहिए और साइन बोर्ड देख कर ही उन्हें अंदाज़ा होगा। फिर दूसरी बात यह है कि ये अभी जो जिस ट्रक ड्राइवर से हमारी बात हुई उसका ये कहना था कि उन्हें कभी पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने रोका ही नहीं कि वो अंडर पास के नीचे से ना गुजरे। तो इसका मतलब यह है कि काफ़ी सारे मसाइल हैं ऐसे हादसा होने के जिसकी इंतज़ामिया भी ज़िम्मेदार है, ट्रैफिक पुलिस भी ज़िम्मेदार है और दीगर वो मुतलका महकमे भी ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने साइन बोर्ड लगाने हैं, जिन्होंने वहाँ पर बैरियर्स लगाने हैं, हाइट बैरियर्स लगाने हैं, वो टूटे पड़े हुए हैं। तो ये मामला इस वजह से काफ़ी लोगों के, ये काफ़ी इदारों की ये जिम्मेदारी बनती है जो पूरी नहीं हो रही। पूरी नहीं होती। मुझे शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वो लोग जिनकी जिम्मेदारी थी जो अंडर पासिस हैं वहाँ पे साइन बोर्ड लगाना, उनसे जब बात की गई तो वो इस मामले पर बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, आप तो जवाबदेह हैं, तो ये मामला आपने बाहर निकल के हल करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुतलिका हुकाम, मुतलिका इदारे, टीपा और जो एलडीए का इदारा है, ये इस पर बात नहीं करना चाहते। दूसरे जो हादसात का शिकार होते हैं उनसे हमने बात की, इन ट्रक ड्राइवर से हमने बात की, वो किस तरह से अपनी कहानी को बयान करते हैं वो भी आज आपने टॉप स्टोरी की जबानी सुना है। निशानदेही हम कर चुके हैं, मामला जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। मुतलका इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए, अगर नहीं लेंगे तो इसी तरह से हमारे जो लाहौर के शहरी हैं वो हादसात का शिकार होते रहेंगे। आज की टॉप स्टोरी से हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।